थाना सदर पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान थाना सदर पुलिस चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, जिनके पास से लूटी गई एक कार सहित चार मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही लुटेरों ने अन्य थानों में की गई वारदातों को भी कबूला है। त्योहारों के मद्देनजर आगरा पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चौराहे पर चेकिंग कर रही थाना सदर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान चार शातिर लुटेरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से एक कार सहित चार मोटरसाइकिल बरामद हुई, साथ ही अलग अलग स्थानों से लूटी गई अन्य कीमती चीजें बरामद की। एसपी सिटी आगरा ने बताया कि पूछताछ के दौरान लुटेरों ने अन्य थानों में की गई लूटपाट की वारदातों को भी कबूला है। लुटेरों के पास से सदर पुलिस को चांदी और सोने की कीमती चीजें बरामद हुई हैं, तो वहीं लुटेरों ने भी अन्य थानों में की गई वारदातों को कबूला है। देखिए, विगत कुछ दिन से कुछ चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ गिरोह लगातार सक्रिय थे। श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेश अनुसार प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक एक टीम डेडिकेटेड इसके लिए बनाई गई थी कि वो चोरी और लूट की घटनाओं को, वारदातों को रोक सके। जो पूर्व में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसके जो विवेचना है उसका सफल अनावरण भी कर सके। थाना क्षेत्र सदर में एक ऐसी टीम का गठन हम लोगों ने किया था और उन लोगों को चार मुलजिमों को पकड़ने में, जो लुटेरे हैं उनको पकड़ने में कामयाबी भी हासिल हुई है। उनके पास से एक स्विफ्ट गाड़ी, चार मोटरसाइकिल, कुछ चांदी सोने के कुछ जेवर जो उन्होंने विविध चेन स्नैचिंग और इत्यादि जो घटनाएं उनको अंजाम किया था वो पकड़े गए हैं और तीन अभियुक्त इसमें अभी शेष हैं, वो फरार हैं, उनके लिए भी टीम कार्यरत है। कौन सरगना है इस गिरोह का? सर देखिए, अलग अलग लड़के हैं इसमें। एक का नाम अनिल कुमार है, पवन कुमार, मोनू ठाकुर और देवेंद्र, ये लोग हैं। लगातार मलपुरा और सदर क्षेत्र में ये लोग कार्यरत हैं। जगदीशपुरा एरिया में भी इन लोगों ने कुछ चोरियों को अंजाम